सबसे बड़ी खबर आ रही है तुनिशा सुसाइड केस में तुनिशा की आज मम्मी मामा और मासी का बयान दर्ज होने वाला था वालि पुलिस स्टेशन पर वहां पे ना जाकर वहां पे ना पुलिस बयान दर्ज करके गुपचुप उनके जो बयान है वो दर्ज हो रही है रजेवली पुलिस थाने में जो वालिद थाने के अंदर ही आता है जो वालिद पुलिस के अंदर ही आता है रजेवली थाना वहाँ पर जो मम्मी है मासी हैं तुनिशा की वहाँ पर उनका बयान दर्ज किया जा रहा है आखिरकार क्यों वालिद थाने में उनका बयान नहीं दर्ज किया जा रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है और आपको बता बयान दर्ज करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है क्या कुछ वो बयान में बोलने वाले हैं उनकी मम्मी हैं उनके मामा हैं और उनकी मासी बहुत कुछ आज बोलने वाले हैं अपने बयान में इस पर निर्भर करता है कि क्या कुछ सवाल होंगे और क्या कुछ तुनी ये तुनिशा को लेकर उनको उनका बोलना होगा साथ ही साथ क्या कुछ आरोप लगाने वाले हैं शीजान खान पे आपको पल पल का अपडेट मैं देती रहूंगी बने रहिए भारत ट्वेंटी फोर पे कैमरा मैन अजय के साथ प्रीति रानी ईरानी शर्मा खुदकुशी मामले में आई नई अपडेट इस समय शिजान मोहम्मद खान की दो दिन की और रिमांड पुलिस को मिल गई है जी हाँ इसमें आप देख सकते हैं ये वसई कोर्ट है जहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही है और अंदर से सूत्र बता रहे हैं कि शिजान मोहम्मद खान की दो और दिन की रिमांड मिल गई है पुलिस को और ये भी पता चला है पुलिस ने अपनी दलील में सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी बात की है चैट्स की भी बात की है इसके अलावा ये भी बात की है कि जिस दिन तुनिशा ने खुदकुशी की उस दिन डेढ़ घंटे तक उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड से बात की है शिजान मोहम्मद खान ने अब आगे ये देखना होगा कि कैसे पुलिस पुख्ता सबूत जुटाती है और इस मामले के तहत तक पहुंचती है क्योंकि बहुत सारे अनसुलझे हुए सवाल हैं जिसका पुलिस को पता लगाना है क्योंकि 20 साल की टैलेंटेड एक्ट्रेस कम उम्र में खुदकुशी कर लेती है और उस को एक्टर उस अपने बॉयफ्रेंड के मेकअप रूम में ही इसमें उस जिसके साथ वो लंबे सपने देख रही थी उसके साथ लंबी कमिटमेंट की बात करती थी वो इसमें कैमरामैन जितेंद्र के साथ मुंबई से आशीष तिवारी